बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ महरीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, महरीन अब्बासी व्लॉग्स। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर रही हूँ कि मेरी रमज़ान में क्या रूटीन है सहरी से अफ्तारी तक, और मैं क्या क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या रूटीन रहती है, बच्चों को क्या देती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगी। और मेरी जो इतनी प्यारी सब्सक्राइबर हैं उनके नाम मैं नहीं ले सकी दो व्लॉग्स में, तो आज मैं उनके नाम भी लूँगी और मैं उनके नाम भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलें आए व्लॉग की तरफ चलते हैं, व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ मैं तैयारी करी थी सहरी की, और रूटीन मेरी यही है कि हस्बैंड सो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लूँ, सहरी बना लूँ। अब तो अभी तक आप अगर मेरे व्लॉग पे हैं तो जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और मुझे लाजमी बताइएगा, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से दही की रेसिपी शेयर की थी, तो आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग ट्राई करिएगा एक मरतबा, मेरे कहने पर बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ बस मैं अपनी सहरी की तैयारी कर रही थी, और रात में ऐसा हुआ कि जो हमने इफ्तार की थी उसके बर्तन वगैरह तो हमने वॉश कर लिए थे मैंने, और फिर ऐसा हुआ कि उसके बाद बहुत सारे मेहमान आए, और फिर वो बर्तन और जो बच्चे खाते रहे वो बर्तन, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं जल्दी से पहले अपने ये सारे बर्तन वॉश कर लूँ, उसके बाद सहरी के भी हो जाएंगे तो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा मुझे वॉश करने में। तो जो भी था देख लीजिए, बच्चों ने रात में लेट नाइट जो जो खाते रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी अब लेट सोते हैं, तो मैं जो रात में इफ्तार में बचा हुआ होता है बच्चों के लिए रख देती हूँ, वो खाते रहते हैं। देख लीजिए, इतने धोने के बावजूद भी यहाँ इतने सारे बर्तन थे, और मैंने भी बोला कि बस अब इतना भी परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तो बस जो है वो सो है, बस इसी धो लूँगी मैं सुबह उठ के। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने सहरी से पहले जल्दी से अपने सारे बर्तन क्लीन कर दिए, और बस सब कुछ मैंने रेडी करके रख दिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि आटा तो गूंदा हुआ है और सालन भी बना हुआ था, तो बस उनको निकालना है और गरम वगैरह करना है। तो बस इतने में मैंने सालन निकाला, और रोटी मैंने बनाई हुई थी पर हस्बैंड भी बाहर से ले आए, तो मैंने बोला चलो बच्चे खा लेंगे, और चाय बनाई। और हमारे यह होता है सहरी में कि जो सालन बचा हुआ होता है रात का, वो या अंडे या अगर कुछ नहीं है तो कबाब वगैरह, और यहाँ सालन था तो बस रोटी सालन और चाय, और फिर हमारे पास खजला फेनी भी खाई जाती है। और पहले तो मैं नहीं खाती थी, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है रमज़ान में, और दिल चाहता है कुछ मीठा खाने को, तो बस फिर मैं थोड़ी सी अपने लिए एक बाउल में वो भी बना लेती हूँ। और क्योंकि नमकीन तो खाया नहीं जाता इतना ज़्यादा सुबह सुबह उठते ही, साथ मुझसे नहीं खाया जाता, तो बस मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ कि ताकि थोड़ा तो बहुत खा लिया जाए, क्योंकि पूरा दिन भी गुजारना होता है वो थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी में हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती, और सारा दिन भी बच्चों को अच्छे से खाना पीना करना होता है, और हमारी तो कहीं भी रमज़ान की रूटीन में ऐसा है ही नहीं कि सहरी बनाओ और फिर बाकी अफ्तार बनाओ, क्योंकि जिन बच्चों जिन अम्माओं के छोटे बच्चे हैं तो उन वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि पूरा दिन खाने पीने का इंतज़ाम चलता रहता है, और हमारी छुट्टी रमज़ान में भी नहीं होती है। तो बच्चों के पेपर हो गए हैं ख़त्म, बच्चे हो गए हैं फ्री, तो बस लेट नाइट तक खाते पीते रहते हैं, और मैं भी उनको जल्दी सुलाने का नहीं कहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उनको सुला दिया तो सुबह 8 बजे सब उठ के बैठे हुए होंगे। तो बस यहाँ पर हमारी सहरी शुरू होने वाली थी, मैंने टेबल पर रख दिया था सारा, फिर हस्बैंड को उठाया, उनको बोला कि आप जब तक मुंह हाथ धो के तहज्जुद पढ़ के बैठे, मैं जब तक आती हूँ हाथ मुंह धो के टीथ ब्रश करके, उसके बाद फिर मैं अपना सहरी करूँगी। अच्छा, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, और ये मैंने क्या किया सहरी में ही बच्चों के लिए ये बना के रख दिया था, और मुझे पता था वो 9-10 बजे तक उठेंगे, तो खाना अगर उनके लिए कुछ भी बना हुआ होगा तो वो बैठ के खा लेंगे, पर ऐसी हमारी किस्मत कहाँ कि बच्चे सुकून से बैठ के खा लें, और उनके साथ साथ पूरा दिन ही लगे रहना पड़ता है। मैंने जबकि पूरे लंच में उनके लिए जो है नाश्ता रेडी करके रख दिया था, फिर भी जो है मेरे बच्चे मम्मा आप उठें हमें नाश्ता दे दें, आप उठें हमें नाश्ता दे दें, तो किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं आप लोग भी मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि रमज़ान में आप लोगों की क्या रूटीन है। मेरी तो बहुत सख्त रूटीन है, तो देख लीजिए ये मैं अपनी सारी रूटीन दिन भर की आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सैंडविचेस बना लिए थे, और सोचा यही था कि बच्चे देखेंगे सैंडविच तो खुद ही उठा के प्लेट खा लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों ने बोला नहीं मम्मा आप हमें दें नाश्ता, फिर बेशक आप जाके सो जाएं। हशाम इस वक्त तक सो रहा था, और बस वो मेरी आरूष और हुरैन मेरी मुनिया जागी हुई थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं तुम लोगों को नाश्ता दे देती हूँ, फिर वादा यही किया कि मम्मा बस हमें आप नाश्ता दे दें फिर आप बेशक सो जाइएगा, और आप हमें टीवी ऑन कर दें बस हम टीवी देखते रहेंगे।
मोबाइल मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं अपना यूट्यूब का काम भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के हाथ में ना दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कैमरा डैमेज हो जाए या मेरी जो अंदर मेरे सारे काम की चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएँ। तो इस वजह से मैं बच्चों को अपना मोबाइल नहीं देती, तो बस टीवी ऑन करती हूँ, हॉटस्पॉट ऑन करके दे देती हूँ, वो लोग टीवी देखते हैं और मैं अंदर जाके एक घंटे के लिए यही सोच रही थी अब तक कि मैं सो जाती हूँ। और यहाँ बस मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के लिए रेडी हो गई, उनको बोला जाओ तुम अच्छे से मुँह हाथ धो के आओ और कंघा वगैरह करो, टीथ ब्रश करो। जब तक वो आए फिर मैंने उनके लिए नाश्ता वगैरह दिया और टीवी लगा के ऑन कर दिया। और यकीन करें इस वक्त मुश्किल से शायद 8:30 का टाइम था और इतनी रोशनी, इतनी सारी गहमा गहमी हो रही थी और मेरे पूरे घर वाले सो रहे होते हैं और हमारे घर में माशाल्लाह इतनी चहल पहल होती है क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं जल्दी। तो बस आज फिर मैंने इनको बोला कि अब से मैं तुम लोगों को लेट सुलाऊंगी ताकि भाई तुम लोग लेट सो और लेट सुबह उठो, क्योंकि मम्मा का रोज़ा होता है, मम्मा का दिल करता है एटलीस्ट 10 से 11 बजे तक तो सोने का। इतना सारा करने के बाद बर्तनों का हाल आपने देख लिया है और बस यही हमारी ज़िंदगी है कि उधर काम किया उधर बर्तन धोए। और बस फिर दोबारा बर्तन धोने के बाद किचन में फिर मैंने सोचा कि दही बड़े बनाती हूँ। नीम गर्म पानी कर दिया था, उसमें बड़े जो मैंने जो लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था व्लॉग में तो वही बड़े हैं और मैंने आज उनको नीम गर्म पानी में डिप कर दिया। और दही जो है, दही वाली वीडियो मैंने अलहदा कर दी थी और दही के बाद वाली वीडियो मैंने अलहदा कर दी। अब मैं इसमें क्या कर रही थी, मैं सोच रही थी इस जग में जो मैंने दही बनाया है इतना मज़ेदार, तो इसमें डाल देती हूँ चीनी और जो दही बड़ों का जो सारा रेडी कर देती हूँ। इससे ये होगा कि चलो ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जैसे हम बाहर जाते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि दही बड़े कितने ठंडे और मज़े के लग रहे होते हैं, अगर गर्म होंगे तो शायद इतने मज़े के नहीं लगेंगे। तो मैंने भी यही सोचा और जो अच्छे तरीके से थिक करके इनको फ्रीज़र में रख दिया और जब तक ठंडा होता यहाँ पे मेरे जो बड़े हैं वो भी नरम हो गए थे। फिर मैंने क्या किया, उनको निकाल के बॉक्सेस में डाल दिया। यहाँ मुझे ये बॉक्सेस लेके जाने थे तो फिर मैंने सोचा कि इसी में ही डाल देती हूँ और इसको टाइट से शॉपर बंद करके लेके चले जाती हूँ। और बस ऐसा हुआ कि इसके बाद इतनी कोई हलचल हुई, इतनी कोई भागम दौड़ी हुई कि इसके बाद मैं कोई ख़ास क्लिप आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। अच्छा, वो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, मेरी बहनें जो मुझे हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करती हैं, उसमें जो सबसे पहले जो मेरी बहनें हैं उस शहाइना किचन हैक्स, नंबर 2 जो हैं वो हैं इफ़त नईम, समामा उरैब, तशहाज व्लॉग्स, बीनिश नजम व्लॉग्स, ब्लश सबा, सोनस नेल आर्ट और इफ्लेम मरियम। ये हैं वो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स, मेरी प्यारी सी बहनें जो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती हैं। और यहाँ देखते ही देखते मेरे मूंग और माश की दाल के बड़े भी जो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे ये वही हैं और उसके साथ जो है मैंने अपना जो दही जमाया था और आज उन्हीं के साथ मैंने दही बड़े, मीठे दही बड़े रेडी कर लिए और आज मेरा मसाला भी दही बड़ों का ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी फिर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको। बस आजकल थोड़ी मसरूफियात है, जब फ्री होंगी तो फिर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से और प्यारे प्यारे व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये हस्बैंड लेके आए थे रेडीमेड दही बड़े मसाला और मेरा जो घर का मसाला था वो ज़्यादा अच्छा था। बस मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।